कि मैं क्षमा मांगता हूं, और दूसरी बात उस वीडियो में तमाम जमातियों से कहिएगा बाहर निकल कर आए। गोस्वामी की लैंग्वेज सुनिए आप, जनाब सुनिए आप की लैंग्वेज, मोहम्मद साद की लैंग्वेज सुने आप। कहना चाहता हूं तमाम दर्शकों को जो इस वक्त इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं कि मौलाना कादरी जैसे लोग ये सिर्फ लोगों को दबाना डराना जानते हैं। एबीपी न्यूज ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते रामपाल के खिलाफ खबर दिखाई, राम रहीम के खिलाफ खबर दिखाई, आसाराम के खिलाफ खबर दिखाई। सुनिए मेरी बात, ऐसे ही मौलाना साद के खिलाफ दिखाई। मौलाना साद से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, तबगीरी जमात से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आपकी जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, ये भी हमने गिनाया। हमारी दिक्कत मौलाना साद से थी जिन्होंने खलनायकों जैसा काम किया, जो गलत बोलते रहे, जो गलत बोलते रहे। रूबिका लियाकत इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपको सुन रही है। बताइए रूबिका लियाकत ने ऐसा क्या बोल दिया मौलाना साद के लिए कि आप इस तरह खुलेआम धमकी देने लगे, या सुमित अवस्थी ने ऐसा क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया? सुनिए मौलाना साहब, मैं एक बात कहती हूँ आपसे। एक तो जो जहालत कर रहे हैं मुसलमान, वो मुसलमानों के रहनुमा तो है नहीं, वो ठेकेदार है नहीं। तो जब उन गलत कर रहे मुसलमानों को आप सच्चाई का आईना दिखाते हैं तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए कि वो जो ब्लैक शीप्स हैं उनको दुनिया के सामने हम ला रहे हैं, वो मुसलमान कहलाने लायक नहीं है। आप उनकी वकालत करना छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तानी मुसलमान बनने का आज उदाहरण पेश कीजिए, एक नजीर बनिए। आज आपने बड़ा दिल रखते हुए माफी मांगी है, अब बड़ा दिल रखते हुए उन गलत मुसलमानों का साथ देना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उनके हीरो मत बनिए, आज अगर किसी के हीरो बनने की जरूरत है तो सही लोगों की, उनकी आवाज बनिए। आप बोल दिए ना, आप बोले ना, आप मेरी सुनिए। हाँ ठीक है, आपकी सुनेंगे, अब हम नहीं बोलेंगे। आप मध्य प्रदेश में वाकया हुआ थूकने का, मध्य प्रदेश में वाकया हुआ थूकने का डॉक्टर्स के ऊपर, मैं उसकी कड़ी निंदा किया। मैं बोला कि ये जहालत है, ये हैवानियत है, ऐसी हरकत मत करो, ये मेरा जुमला था, समझ रहे हैं। और जितने लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप मेरी पूरी प्रोफाइल उठाकर देखिए फेसबुक की, मैं बारह रोज ये अपील कर रहा हूँ कि कोई अपने घरों के बाहर ना निकले, मस्जिदों को ना जाए, जुमे की नमाज मौलाना साहब की मौलाना साहब एक बात बता दीजिए, ये नया वीडियो कब डाल रहे हैं फेसबुक पर आप? एबीपी न्यूज और एंकर से माफी मांग रहे हैं, ये एंकर से ये वाला वीडियो कब डाल रहे हैं आप जब आप सबसे माफी मांग रहे हैं? मौलाना साहब ये आज शाम, हम शाम को 3:30 बजे बात कर रहे हैं, 5 बजे तक वीडियो आ जाएगा ना? आपको तकलीफ हुई, 5 बजे तक भी नहीं, नहीं आपको अपने अपने फेसबुक पेज पर डालना पड़ेगा, आप पहले जो आपके फॉलोअर हैं वो देखें कि आपने गलती की है, आपको अपनी गलती का एहसास है। आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ आपको, 1.5 घंटे का समय दे रहा हूँ। इसके बाद एक 5 मिनट का टाइम आपको डालिए कि आप देश के तमाम टीवी एंकर से रिपोर्टर से माफी मांगते हैं, ये डालिएगा जरूर जो आपने मुझे मोहम्मद साद की लैंग्वेज सुने आप। मौलाना साहब यहाँ अंडर गोस्वामी बैठे हुए हैं, आप यहाँ रूबिका लियाकत, यहाँ सुमित अवस्थी बैठे हुए हैं, उनसे बात करिए ना, उन लोगों की बात कीजिए ना। अंडर गोस्वामी का ठेका थोड़ी हमने ले रखा है, और आप ना अपने 166 फॉलोअर के चक्कर में, अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में इस तरह की वीडियो मत बनाइए, आप बात कर रहे हैं ना मौलाना साहब, इस तरह की वीडियो मत बनाइए। दूसरी बात मैं कहती हूँ अगर आप मुसलमानों को सही राह दिखाने का काम किया तो मैं आपको फॉलो करूंगी। अवस्थी साहब 166 फॉलोवर मैं आपकी बनूंगी, लेकिन सही रास्ता तैयार कीजिए। आप हमारी बात कर दीजिए, एमपी में अगर थूका तो मैंने उनकी कड़ी निंदा की। आप मोहम्मद साद का साथ क्यों दे रहे हैं? वो शख्स जिसने बाकी तबलीगियों को कहीं ना कहीं फेंक दिया, झोंक दिया कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में, और खुद क्वारंटीन हो गए। आप चाहते हैं कि मैं अदब से उनका नाम लूं? मैं नहीं लूंगी अदब से उनका नाम, वो इंसानियत के दुश्मन है। वो शख्स जो पहले कुछ और बोलता है, बाद में कुछ और कहने लगता है, मैं उस शख्स को फॉलो करूंगी किसी कीमत पर नहीं।